जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे हम लोग बिट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बिट्स लिमिटेड एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, जिसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही आपको कम समय में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने का मौका मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार रॉकेट बना हुआ है, लगातार ये स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। वजह यह है कि कंपनी जो काम करती है, इस तरीके के कामकाज करने वाली बहुत ऐसी कम कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी जो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होगी। बहुत सी कंपनी है जो, जैसे पहले मैं इस कंपनी के यदि काम के बारे में आपको बताऊँ, तो ये कंपनी जो है आपको कला, वाणिज्य, विज्ञान और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम जैसे कई प्रकार की सुविधा मुहैया कराती है। मतलब अगर मेन रूप से कहें तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंपनी कामकाज आपको प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हम लोग इस बिट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ और आपको मैं जानकारी दूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि 1992 ईस्वी में ये कंपनी बनी थी। यह कंपनी आपको बिजवाइज कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। यदि बिट्स लिमिटेड के पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, एक पूरा कंपनी का नाम हुआ। काम धाम काफी बढ़िया है, काम के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल भी काफी बढ़िया है, जिस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस आपको लगातार ग्रो करते हुए दिख रहा है। तो हमने कंपनी के काम के बारे में बात कर ली और कंपनी का एक ओवरऑल अभी तक मैप हम लोगों ने लिया। अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को डिस्कशन करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा यदि अभी तक किसी व्यक्ति ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और यदि किसी ने किया है तो किस लेवल पे वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन उसके पहले कुछ अपडेट आपको देने के लिए मैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे आपको लेकर चलता हूँ, फिर यहाँ पे आकर बाकी अपडेट को हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ये सेमेस्टर 2 में है। अब क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं वो ईएससी में या जीएसएम जैसी कैटेगरी में होते ही होते हैं। दिक्कत ये है कि या तो पेनी स्टॉक देखेंगे तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है या फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है। तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर या नीचे जा रहा हो तो सेबी जांच परख करने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है इस स्टॉक में, तो उसको जांच परख कर उस मैनिपुलेशन को जांच परख करने के लिए उसको ईएससी या जीएसएम जैसी कैटेगरी में डालती है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, यदि सब कुछ ठीक है तो एसएम या जीएसएम कैटेगरी में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मार्केट में आती है ये स्टॉक को लेकर, लेकिन ओवरऑल जब स्टॉक ग्रो कर रहा हो तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, लगातार अपर सर्किट में चल रहा है और हर समय एक नया बाउन का हाई बना रहा है, क्योंकि जब जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑल टाइम अभी हाई पे है इस कंपनी का शेयर प्राइस, और ऑल टाइम हाई पे जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस होता है तो जब जब ऊपर जाता है क्योंकि नया रिकॉर्ड, मतलब शेयर प्राइस के मामले में नया हाई बनता ही बनता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ट्रेडिंग विंडो है जो क्लोज कर दिया गया है। ट्रेडिंग विंडो क्लोज इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के क्वार्टर्स का नंबर आने वाले हैं। आपको पता है अभी पहले जून क्वार्टर में क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था, अब कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं, सितंबर क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर वन का नंबर काफी बढ़िया आया था, उम्मीद है कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर भी काफी शानदार आएंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस और भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक अपडेट था यहाँ पे, कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आने वाले हैं जिस वजह से ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया है, और प्लस ये तो आप देख ही रहेंगे अपर सर्किट की बदौलत नया हाई स्टॉक में बन रहा है। यहाँ पे यदि मैं आपको जून क्वार्टर का यानी कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था उसके बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं 25 लाख के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ था, जो कि पिछले कुछ कुछ क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा ही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है ग्रो करते हुए दिख रहा है, और सेल्स के साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यह भी बढ़ रहा है। अगर ओवरऑल तुलना करें तो उसके हिसाब से आप देखेंगे, इसको एक छोड़ दें, एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़ रहा है, और इसी वजह से कंपनी के पास वर्तमान में देखेंगे तो कंपनी के पास भी डेप्ट नहीं, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं है। और जब कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता है तब कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट का पैसा आता है उसका यूज कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाती है। तो इन्हीं सब जो अच्छे बातें देखने को इस स्टॉक में मिल रही है उसके बदौलत कंपनी का जो शेयर प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकेट बना हुआ है। लगातार जब से इस रेंज बाउंड को इसने ब्रेक किया है लगातार कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जा रहा है और अभी ऊपर ही जाते हुए आपको दिखेगा। तो अभी नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राइस काफी बढ़ गया है, थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट होकर प्राइस जब नीचे आएगा और नीचे आकर उठने लगेगा फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगा कि आप क्वार्टर टू के नंबर का आने का वेट कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्वार्टर टू के पहले इसमें जब तक रिजल्ट ना आ जाए ये प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। तो आप धैर्य रखिए, सही समय जब आएगा तो उस समय वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा किस लेवल पर आपको इसमें बाई करना है। हाँ, जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है वो अभी इसमें बन रही है, आपको कमाई के अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो आप अपना चाहे तो समय समय पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हालांकि क्वार्टर टू तक अभी होल्ड करके चल सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको ये जानकारी कैसे कमेंट करके जरूर बताएं, मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।